अब बहुत ध्यान से समझना, जब हम लोग किसकी बात करते हैं, साउंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, साउंड की, तो साउंड अपने आप में क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो जब हम लोग बोलते हैं कि साउंड क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो किस चीज में हेल्प करता है, तो हमने बोला दैट इनेबल्स अस टू हियर, दैट इनेबल्स अस टू हियर, यानी कि जो हमें सुनने में क्या करता है, मदद करता है। तो साउंड का एक कंसेप्ट तो क्या हो गया, ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको सुनने में क्या करेगा, मदद करेगा। दूसरी कहानी क्या बोलती है कि साउंड क्या है, अपने आप में एक वेव है। हम लोग साउंड को वेव क्यों बोलते हैं, हम लोग साउंड को वेव इसलिए बोलते हैं बिकॉज वेव एक ऐसी चीज होती है जिसके थ्रू एनर्जी क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। अब क्योंकि साउंड एनर्जी है और वो एक पॉइंट से दूसरी जगह पे क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, इसलिए साउंड क्या है, एक वेव है। साउंड क्या है, वेव। अगर आप ऑफिशियली वेव को डिफाइन करोगे, अगर आप ऑफिशियली क्या करोगे, वेव को डिफाइन करोगे, तो हम लोग वेव को कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग बोलते हैं अ वेव इज अ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर पॉइंट इन दैट मीडियम। अब अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, अगर हमने वेव को डिफाइन कर दिया, तो हमने कहा देखो वेव जो होती है ना, वो अपने आप में दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है, दो। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक कौन सी होती है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, और एक होती है मैकेनिकल। एक कौन सी होती है, एक कौन सी होती है, मैकेनिकल वेव्स। जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रैवल करने की, इसका मतलब क्या कि वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है, इसका मतलब क्या ये वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है। आइडियली बात करें तो हम लोग जब आइडियली एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, तो हम लोग बोलते हैं एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विच इन टर्न इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जिसमें तीन चीजें परपेंडिकुलर होगी। कौन सी तीन चीजें परपेंडिकुलर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जारी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जारी होगी तो वेव यहाँ पर जारी होगी, और ये तीनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पर होगी, ठीक है ना। फिर अगर बात करें कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, तो हमने कहा कि मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर दैट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, दैट इज दे कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ऐसी वेव्स को या तो क्या चाहिए, सॉलिड चाहिए, या तो क्या चाहिए, लिक्विड चाहिए, या तो क्या चाहिए, गैस चाहिए, यानी कि इनको एक मीडियम चाहिए क्या करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। ये बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती है। इज दैट क्लियर। तो हमने कहा वेव्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज, वेव्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। वेव्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या फिर ट्रांसवर्स वेव्स। अगेन एजेंडा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है। तो हम लोगों ने बोला लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दोज वेव्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू
डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है? तो हमने कहा ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती है इन विच, ट्रांसवर्स वेव्स आर दोज वेव्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो एक कहानी तो क्या है, क्लियर है कि पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। हाँ, अगर वेव है तो जाहिर सी बात है एनर्जी ट्रांसफर होगी, और एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी? बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव है चाहे ट्रांसवर्स वेव है, पार्टिकल्स तो वाइब्रेट होंगे। लेकिन 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 ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल, पहले देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर वेव ऐसे जा रही है, ये क्या है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो पार्टिकल्स भी क्या करेंगे ऐसे ही वाइब्रेट करेंगे। पार्टिकल्स भी क्या करेंगे ऐसे ही वाइब्रेट करेंगे। और ट्रांसवर्स वेव के केस में क्या होगा कि अगर वेव ऐसे जा रही है तो पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करेंगे, इस तरीके से। आया समझ में? तो ये क्या होता है, प्राइमरी डिफरेंस होता है किसके बीच में, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स में। अगर बात करें तो हम लोग बोलते हैं जो हमारा साउंड होता है, जो हमारा क्या होता है साउंड होता है, साउंड अपने आप में क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, और जो लाइट होती है वो क्या होती है ट्रांसवर्स वेव होती है। अब हमें तो इस चैप्टर में साउंड पढ़ना है, तो हम लोग का प्राइमरी फोकस क्या ही रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव रहेगा। अब जब ऐसे में साउंड की वेव्स क्या करती है, साउंड का जो पार्टिकल्स है जब वो क्या होते हैं वाइब्रेट होते हैं, साउंड के पार्टिकल्स क्या होंगे वाइब्रेट करेंगे। तो साउंड में जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे यानी कि मीडियम के पार्टिकल्स क्या करेंगे वाइब्रेट करेंगे, तो मीडियम में इस तरह के रीजन्स क्रिएट होंगे जहां पर, कुछ रीजन्स ऐसे होंगे जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या रहेंगे बहुत दूर दूर रहेंगे। पार्टिकल्स क्या रहेंगे एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, फिर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे रीजन भी आएंगे जब ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या आ जाएंगे पास पास आ जाएंगे। फिर ऐसे रीजन्स आएंगे जहां पर ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, इस तरीके से। फिर कुछ रीजन्स आएंगे जहां पर वापस क्या होगा पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ठीक है, फिर दूर जाएंगे फिर पास आएंगे। तो ऐसे रीजंस जहां पर ये सारे पार्टिकल्स क्या हैं दूर दूर हैं, ऐसे रीजंस जहां पर क्या हैं ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, इन रीजंस को हम लोग क्या कहेंगे, इन रीजंस को हम लोग कहेंगे कंप्रेशंस। क्या कहेंगे? कंप्रेशंस। तो कंप्रेशंस आर रीजंस वेयर पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर, वेयर पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है। जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा कम, वॉल्यूम क्या होगा कम, प्रेशर क्या होगा ज्यादा, प्रेशर क्या होगा ज्यादा, और डेंसिटी भी क्या होगी ज्यादा, डेंसिटी भी क्या होगी ज्यादा, ठीक है ना। अगर यही कहानी हम लोग कहाँ करें, रेयर फ्रैक्शंस की बात, मतलब जहां पर लो प्रेशर है, जिन एरियाज में क्या है पार्टिकल्स पास पास है, जिन एरियाज में पार्टिकल्स क्या है पास पास है, जैसे कि ये, जैसे कि ये, अगर ये रीजन्स ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखोगे, इन्हें हम लोग कहते हैं रेयर फैक्शंस। क्या कहते हैं? रेयर फैक्शंस, ठीक है। तो रेयर फैक्शंस में क्या होंगे, पार्टिकल्स आर, जस्ट अ सेकेंड, मैं तुम्हें उल्टा बता दिया। तो रेयर फैक्शंस में हम लोग क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर,
पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, पहली बात। यानी कि वॉल्यूम क्या रहेगा ज्यादा, वॉल्यूम क्या रहेगा हाई, प्रेशर क्या रहेगा लो, और डेंसिटी भी क्या रहेगी लो। ठीक है, कभी रेयरफैक्शन और कंप्रेशन तुम लोग को लैब वैब में देखने हैं तो तुम लोग को इस तरह के का एक स्ट्रिंग दिया जाए। ठीक है, अब जब तुम लोग इस स्ट्रिंग को इधर पे से पुल करोगे, क्या करोगे, इस स्ट्रिंग को इधर पे से पुल करोगे, तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर स्ट्रिंग में रीजन्स क्रिएट हो जाएंगे, जहां पर बहुत कहीं कहीं पे कुछ पास पास है और कहीं कहीं पे दूर दूर है, फिर पास पास है, फिर दूर दूर है। तो बेसिकली लैब में हम लोग कंप्रेशंस और रेफ्रैक्शंस कैसे स्टडी करते हैं, ऐसे स्टडी करते हैं। इसकी जगह अगर आपको ट्रांसवर्स वेव स्टडी करवाएं, अगर आपको क्या करेंगे ट्रांसवर्स वेव स्टडी कराएं, तो स्ट्रिंग तो यही रहेगी, लेकिन इस बार स्ट्रिंग को हम लोग इधर पे से पुल करेंगे। तो जब हम लोग स्ट्रिंग को इधर पे से पुल करेंगे तो हमारे पास जो वेव क्रिएट होगी वो कुछ इस तरीके से। आया समझ में? एक बार उसको नीचे से ऐसे खींचना तो वेव ऐसी क्रिएट होगी, और एक बार उसको सीधे पुल कर लोगे तो रीजन्स पास पास और दूर दूर होने लग जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स की। किसकी बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। ठीक है ना, तो जब हम लोग वेव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो वेव का होता है वो होता है क्या, एम्पलीट्यूड। क्या होता है, जब हमें एम्पलीट्यूड को डिफाइन करना होता है तो हम लोग एम्पलीट्यूड को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। ठीक है, एक पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी मीन पोजीशन से, उसे हम लोग क्या कह देंगे, उसका एम्पलीट्यूड कह देंगे। ठीक है ना, इट इज डिनोटेड बाय ए, द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर्स, एम्पलीट्यूड डिफाइंस लाउडनेस। ठीक है, तो जब हम लोगों ने एम्पलीट्यूड की बात करी तो हम लोगों ने बोला एक तो एम्पलीट्यूड क्या बताता है, एक पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मीन पोजिशन, ये कौन से लेटर से डिनोट होता है, स्मॉल ए। किससे डिनोट होता है, स्मॉल ए से। ठीक है, इसकी यूनिट क्या रहेगी, मीटर्स। और जैसे ही मैंने कहा कि एम्पलीट्यूड डिफाइन लाइन लाउडनेस, तो सिंपल सा लॉजिक होता है कि जब आप लाउडनेस की बात करते हो तो हम लोग बोलते हैं जो लाउडनेस होती है ना वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को। किस टाइप से, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर आप एम्पलीट्यूड डबल कर दोगे तो लाउडनेस 4 टाइम्स हो जाएगी, आप एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स कर दोगे तो लाउडनेस 9 टाइम्स हो जाएगी, आप एम्पलीट्यूड 10 टाइम्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लाउडनेस 100 टाइम्स हो जाएगा। यही रीजन होता है कि जो म्यूजिक सिस्टम्स वगैरह रहते हैं उसमें एक डिवाइस होता है जिसको तुम लोग कहते हो एम्पलीफायर, है ना, गाना भी बन चुका है इस पे। अब एम्पलीफायर मतलब क्या होता है, जो चीज को एम्पलीफाई करे, एम्पलीफाई करे मतलब बढ़ाए, बढ़ाना मतलब कैसे, अगर आप एम्पलीट्यूड इंक्रीज करोगे तो लाउडनेस बढ़ जाएगी। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना, तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब हम लोग जब दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पे जाएं उसके पहले हम लोग एक वेव ड्रॉ करेंगे जिसमें तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अगर मेरे पास दो वेव्स हैं तो दोनों के एम्पलीट्यूड में से किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है और किसका एम्पलीट्यूड कम है। ठीक है, अब देखो ये मीन पोजीशन है, ये जो एक्स एक्सिस है ये क्या है,
मीन पोजिशन है जो टाइम को डिनोट कर रही है, और ये जो वाई एक्सिस ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रही है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल यहाँ से इधर तक भी जा सकता है, 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 किधर तक भी जा सकता है, ठीक है। अब ऐसे में अगर मेरी वेव कुछ इस तरीके से है, एक वेव है जो ऐसी है, ठीक है, ठीक है, ये एक वेव है, तो ये मेन पोजिशन है, इससे मेरा पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर गया, इधर तक गया। तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, इसे मैंने क्या कह दिया, एम्पलीट्यूड। फिर ये और ये अगेन इधर पे से मेरा पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा कितना दूर गया, इधर तक, इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता, तो ये क्या है मेरा, एम्पलीट्यूड। मानो इसकी जगह मेरी वेव ये वाली होती, इसकी जगह मेरी वेव कौन सी होती, ये वाली होती, तो इधर पे जो मेरा पार्टिकल है, अब ये मेरी दूसरी वेव है, क्या दोनों के एम्पलीट्यूड में डिफरेंस दिख रहा है, दिख रहा है। अब इस हिसाब से देखे तो अगर मैंने कहा तनिष्क कि ये जो पिंक वाली वेव है इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है कि जो ब्लू वाली वेव थी उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो तनिष्क क्या बोलेगा, पिंक वाली वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा। यानी कि अगर मुझे बोला जाए कि ये एक्स इंस्ट्रूमेंट का साउंड का ग्राफ है और ये वाई इंस्ट्रूमेंट के साउंड का ग्राफ है, तो किसका कौन सा इंस्ट्रूमेंट लाउडर है, तो फट से देखकर बता दो कि क्या वाई, क्यों, क्योंकि वाई का एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है। क्या ये कहानी सॉर्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट, पहली वेव कैरेक्टरिस्टिक क्या थी तुम्हारी, एम्पलीट्यूड। अब दूसरी वेव कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग को पढ़नी है वो क्या है, वेवलेंथ है, वो क्या है, वेवलेंथ। जब हम लोग को वेवलेंथ को डिफाइन करना है तो हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय वन कंप्लीट वेव इज नोन एज इट्स वेवलेंथ। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रेयर फैक्शंस, ठीक है। अब ये क्या पढ़ी हम लोगों ने, चार डिफाइन पढ़ी किसकी, वेवलेंथ की। अब चार क्यों, देखो लॉजिक बहुत सिंपल सा है, जब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, जब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वेवलेंथ की, तो हम लोगों ने बोला डिस्टेंस कवर्ड बाय वन कंप्लीट वेव। अगर हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय वन कंप्लीट वेव, और मेरी एक वेव है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो मेरी एक वेव कब खत्म होगी, मैंने कहा देखो एक पार्टिकल स्टार्ट होगा अपनी मेन पोजीशन से, ये अपनी पहली एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस मेन पोजीशन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम पे जाके फिर से क्या आ जाएगा, मेन पे आ जाएगा। तुम लोग पेंडुलम देख ही चुके हो, अभी वर्क एनर्जी में कैसे हुआ था, मीन से स्टार्ट करता है, एक एक्सट्रीम पे जाता है, वापस मीन पे आता है, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे जाता है और फिर मीन पे आता है, तब जाके हम लोग बोलते हैं एक वेव या एक ऑसिलेशन क्या हुई, खत्म हुई, ठीक है। तो ऐसे में एक वेव कहाँ स्टार्ट हुई थी, इधर पे से, खत्म क्या हुई, इधर पे, यानी कि दूसरी वेव फिर यहीं से स्टार्ट होगी, मीन से पहला एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, फिर दूसरा एक्सट्रीम, फिर वापस मीन, ठीक है।
अब यहां पर जो ऊपर वाले दो एक्सट्रीम्स होते हैं, यानी कि ये और ये, इन्हें हम लोगों ने हिल का टॉप कहा है। क्या कहा है? हिल का टॉप। और इस हिल के टॉप को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेस्ट। क्या कहते हैं? क्रेस्ट। और जो वैली का बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, जो वैली का बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? सेम चीज अप्लाई होती है कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन के साथ। कंप्रेशन में पार्टिकल सबसे ज्यादा पास होते हैं, रेफ्रैक्शन में पार्टिकल सबसे दूर होते हैं, इसीलिए उनको हम लोगों ने पीक माइल पॉइंट्स माना है। पीक पॉइंट्स मतलब या तो वैली का सबसे डीपेस्ट पॉइंट या फिर हिल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। इज दैट क्लियर? आगे जाए, ठीक है, नेक्स्ट वाली कहानी है। अब जब मैंने किसकी बात करी? वेव की बात करी। जब मैंने किसकी बात करी? वेव की बात करी, तो मैंने वेव को सबसे पहले डिफाइन किया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन कंप्लीट वेव, जो कि क्या हुआ? ये कि तुमको पिंक से हाइलाइटेड दिख रहा है, ये देखो, ये एक वेव से द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है। अब अगर इस एक वेव के डिस्टेंस को हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो कहीं ना कहीं ध्यान दो, क्या इसमें एक हिल और एक वैली कवर हो रही है? क्या एक वेव में एक हिल और एक वैली कवर हो रही है क्या? तभी वो क्या बना रहा है? वन कंप्लीट वेव है ना। तो मैंने कहा अगर मैं ऐसा ना करते हुए, अगर मैं ऐसा ना करते हुए मैं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लूं, तो ये वाला, क्या इतने डिस्टेंस में भी एक हिल और एक वैली कवर हो रही है? कैसे? ये आधी हिल यहां पर, ये आधी हिल यहां पर, और ये पूरी वैली यहां पर। समझ में आ रहा है? ये आधी हिल ये वाली, और ये आधी हिल ये वाली, तो क्या ये एक हिल हो गई? और एक वैली कवर करनी थी, देखो वो भी हो गई। तो इस चीज को भी हम लोग क्या कहेंगे? वेवलेंथ ही कहेंगे। सिमिलरली सिमिलरली मैं चाहती तो दो ट्रक के डिस्टेंस को भी क्या कह देती? वेवलेंथ कह देती, क्योंकि यहां पर भी क्या एक हिल और एक वैली कवर हो रही है? हाँ हो रही है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इधर पे ये आधी वैली, इधर आधी वैली, इधर और एक पूरी हिल इधर की, देखो आधी वैली इधर, आधी वैली इधर, और ये पूरी हिल इधर। आया समझ में? बोलो, कोई परेशानी? ठीक है, वेवलेंथ की कहानी आगे बढ़ाएं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, द यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर्स, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लैम्डा कैसे बनाते हैं हम लोग? उल्टा वाय। लैम्डा कैसे बनाते हैं हम लोग? उल्टा वाय। ठीक है क्या? तो ये क्या है मेरी वेवलेंथ, ये भी क्या है मेरी वेवलेंथ, और ये भी क्या है यहां से लेके यहां तक मेरी वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ वैसे तो आपको जनरली क्वेश्चन में देकर रखती है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे? वेवलेंथ का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ या फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या आई शुड रादर से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में नंबर ऑफ वेव्स, अपॉन में नंबर ऑफ वेव्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बोले कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, कहां से लेके कहां तक का?
यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर से कितना है? 2 मीटर। तो मेरी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? नहीं, हाँ 1 मीटर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? दो। तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना था? टू। नंबर ऑफ वेव्स कितनी थी? वन। तो वेवलेंथ कितनी हो गई? 1 मीटर। वेवलेंथ कितनी हो गई? नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? टू। तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई परेशानी आई समझ में कहानी? अब जब हम लोग किसकी बात करते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो हम लोग टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग टाइम पीरियड को डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट वेव इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड्स। ठीक है, तो ये किसकी कहानी है? टाइम पीरियड। अगर वेव फॉर्मेट में हम लोग टाइम पीरियड को डिफाइन करने का समझें, या वेव पैटर्न में हम लोग टाइम पीरियड को समझने की कोशिश करें, तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे? कि सपोज ये क्या है, मेरी एक वेव है, कौन सी? ठीक है, अब एक वेव को अपने इस पॉइंट से, एक वेव को अपने इस पॉइंट से यहां तक, यही एक वेव हुई थी, हमने भी बात की थी वेवलेंथ पर। अगर किसी वेव को यहां से लेकर, अगर किसी वेव को यहां से लेकर यहां तक आने में 0.5 सेकेंड्स लग गए, क्या लग गए? 0.5 सेकेंड्स। तो इस वेव का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 0.5 सेकेंड्स। क्या हो जाएगा? 0.5 सेकेंड। क्लियर है? अच्छा, अगर इसका फॉर्मूला वाइज बात करें कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, कैसे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल टी। कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी। टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम को हम जनरली स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स। टोटल टाइम अपॉन में नंबर ऑफ वेव्स का कंसेप्ट क्या हुआ? कि सपोज सपोज यहां से लेकर यहां तक आने में अगर वेव को 10 सेकेंड्स लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं? 10 सेकेंड्स। तो मेरा टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड्स। अच्छा, 10 सेकेंड में कितनी वेव्स कवर हो रही है यहाँ पर? चार। तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो जाएगी? फोर। तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2.5 सेकेंड्स। क्या कहानी क्लियर हुई? क्योंकि ये जो टाइम पीरियड का कंसेप्ट है, फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट, इसका बिल्कुल रिवर्स है। फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट इसका क्या है? बिल्कुल रिवर्स। क्या ये कहानी सॉर्टेड है टाइम पीरियड? क्या हम लोग फ्रीक्वेंसी पे आ जाएं? अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जब हमें फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना होता है, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ वेव्स और ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज फ्रीक्वेंसी। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज।
इट इज डिनोटेड बाय न्यू. ठीक है, अब सिंपल सा लॉजिक है कि एक सेकेंड में कितनी वेव्स एक पॉइंट को क्रॉस कर रही है, एक सेकेंड में कितनी वेव्स एक पॉइंट को क्रॉस कर रही है, वो मुझे क्या दे देगी, मेरी फ्रीक्वेंसी दे देगी. ये जो साइन लिखा है न्यू, ये ऐसा होता है, बट हम लोग हमारी कन्वीनियंस के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए सब जगह क्या यूज करेंगे, एफ, क्योंकि ये जो न्यू होता है ये वी जैसा दिखता है. किसके जैसा दिखता है, वी, और वी से डिनोट करेंगे हम लोग वेव वेलोसिटी. क्या डिनोट करेंगे, वेव वेलोसिटी. तो फिर बच्चे वेव वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के न्यू में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. इसलिए बेटर है कि तुम अभी इस साल, जब तक तुम थोड़े से बड़े हो जाओ, तब तक तुम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए क्या याद रखो, एफ ही याद रखो. ठीक है, अब अगेन ये मैंने क्या करा, एक वेव ड्रॉ करी इधर पे, ठीक है, ये क्या है, एक वेव है. अब इस वेव में मैंने बोला कि वेव को यहां से लेके यहां तक आने 2 सेकेंड्स लग गए. कितने सेकेंड लग गए, 2 सेकेंड लग गए. तो ऐसे में यहां पर जो मेरा टोटल टाइम है, जो मेरा क्या है, टोटल टाइम है, वो कितना है, 2 सेकेंड्स, है ना. और यहाँ पे मेरी नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, यहाँ पे मेरी नंबर ऑफ वेव्स, यहाँ पे मेरी नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, गिन के बता सकते हो, 5 है ना. ऐसे में अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़े, अगर हम लोग ऐसे में क्या पढ़े, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़े, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने कहा नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन में क्या, टोटल टाइम, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन में क्या, टोटल टाइम. तो यहाँ पे मेरी नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 5, टोटल टाइम कितना है, 2, यानी कि मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2.5 हर्ट्ज़. यानी कि 1 सेकेंड में, अगर 2 सेकेंड में 5 वेव पास हो रही है, सिंपल से लॉजिक है, अगर 2 सेकेंड में 5 वेव क्रॉस हो रही है, तो 1 सेकेंड में कितनी होगी, 2.5, 1 सेकेंड में कितनी होगी, 2.5. अब अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें, अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें, तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या पढ़ा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टोटल टाइम अपॉन में नंबर ऑफ वेव्स. देखो, हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टोटल टाइम अपॉन में नंबर ऑफ वेव्स. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन में टोटल टाइम. तो क्या ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, हाँ. तो हमने कहा इस हिसाब से अगर आप देखो, इस हिसाब से अगर आप देखो, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 अपॉन में टाइम पीरियड. जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 अपॉन में टाइम पीरियड. इज दैट क्लियर, बोलो, कोई परेशानी. ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या डिफाइन करती है, पिच. फ्रीक्वेंसी क्या डिफाइन करती है, पिच. जैसे कि एम्पलीट्यूड लाउडनेस डिफाइन करता है, जैसे कि एम्पलीट्यूड क्या डिफाइन करता है, लाउडनेस डिफाइन करता है, फ्रीक्वेंसी डिफाइन करती है क्या, पिच. फ्रीक्वेंसी डिफाइन करती है पिच. इस बात का मतलब क्या होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी तो पिच भी कैसा रहेगा,